بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرا نام دلدار حسن ہے. دلدار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آج کی جو میری ریسپی ہے, آج ہم نے بنانے مٹن قورمہ. تو یہ کیسے ریسپی بنائی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے میرا جو چینل ہے دلدار فوڈ ریسیپی, میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری اسی طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک زیادہ پہنچتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. یہاں پر ہم اپنی خوبصورت سی کڑھائی لے لیں گے, اس طرح کی, اس طرح اوپر سے ڈھکن اس طرح اتار دیتے ہیں اس طرح. تو اب میں اس میں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے مٹن لیا ہے 1 kg, یہ ڈال دوں گا اس میں اس طرح. تو یہاں پر مٹن جو ہے میں نے ڈال دیا ہے. तो अब मैं इसमें टमाटर डालूंगा इस तरह, यहाँ पर ये देखिए इस तरह इसमें टमाटर डालूंगा इस तरह, इस तरीके से. तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टमाटर मैंने डाल दिए. तो अब मैं इसमें प्याज डालूंगा इस तरह, इस तरह, इस तरीके से. माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी इस तरह. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दिए हैं. तो अब मैं इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट. तो अब मैं इसमें यहाँ पर यह देखिए सब्ज मिर्च लिया है साथ साथ, ये डाल दूंगा इसमें इस तरह, इस तरह. तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया. तो इसको मैं नीचे रख दूंगा इस तरह. तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगा. यहाँ पर ये देखिए 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ये काली मिर्च और जीरा पाउडर 1 चम्मच, ये सब मसाले इसमें डाल दूंगा इस तरह, इस तरह. तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दिया. तो प्लेट को मैं नीचे इस तरह रख देता हूँ. तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा, यहाँ पर ये देखे 1 लीटर इसमें पानी का डालूंगा इस तरह. पानी मैंने डाल लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो इस तरह. तो यहाँ पर ये देखे पानी मैंने डाल दिया है. तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ इस तरह. तो इस तरह चम्मच उठा लेता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ विक्स इनके सबके इस तरह, इस तरह, इस तरह विक्स कर लेता हूँ इस तरह, इस तरह. तो अब मैं इसको 40 मिनट के लिए ढक्कन लगा देता हूँ ऊपर इस तरह. तो फ्लेम को मैं ऑन कर लेता हूँ. तो यहाँ पर फ्लेम जो है ऑन हो चुका है, इसको स्लो कर लेते हैं इस तरह. तो यहाँ पर ये देखिए 40 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया है. 40 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा. तो मुझे छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें. आप सब भाई के मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सब सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो सकूंगा. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी अच्छे अच्छे जरूर किया करें तो ताकि हमें हौसला अच्छा हो जाए. तो अच्छे से जरूर लाइक और कमेंट अच्छे से जरूर किया करें. तो 40 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ. तो 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं. तो ऊपर से मैं ढक्कन उतारता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है. तो अब मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरह हिला लेता हूँ. तो यहाँ पर ये देखिए पानी जो है खुश्क हो चुका है. तो 5 मिनट हम इसे और इसी तरह पानी को खुश्क करेंगे. अभी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा और इसे खुश्क करेंगे इस तरह पानी को. तो 5 मिनट इसे और खुश करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह चम्मच को. तो चम्मच को इधर साइड पर रख देते हैं. तो ऊपर से ढक्कन आप ढक्कन नहीं देना आपने. तो 5 मिनट ऐसे पानी खुश्क होने देना है. तो जैसे ही पानी खुश्क होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ.
voy a parar a entrar en la pared y a escuchar todo a mes y me a dar capo de la vida a todo que yo me dije que estar aquí. Estará ahí se me fue a la de capo de que lo voy a pedir de que me da el día porque la de por ahí se llega a la de que me da mi botis y me lo pude dar para la de todo a mes y me lo pude hacer de mes para la तो यहां पर ये देखिए मैंने घर में जो तैयार हो रहा है तो ये इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी माशाल्लाह बटर फॉर्म में की आप भी इस तरह हमारे इस रेसिपी को बनाएं बहुत ही अच्छी बनेगी रेसिपी तो इसी तरह तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मटन को भुनी आ चुके हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो अब मैं इसमें आधा गिलास पानी का डालूंगा यहां पर ये देखिए तो आधा गिलास पानी का मैंने डाल दिया है तो अब मैं चम्मच की वजह से एक इसको हिला लेता हूँ इस तरह तो अब मैं इसके ऊपर धनिया इस तरह डाल देता हूँ इस तरह यहाँ पर मैंने धनिया थोड़ी सी दी है इस तरह तो धनिया मैंने डाल दी है तो अब मैं फिर से इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा रहा हूँ तो ढक्कन 10 मिनट के लिए मैंने लगा दिया तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं तो ऊपर से ढक्कन उतार देता हूँ तो इस तरह ढक्कन मैंने उतार दिया तो फ्लेम को मैं आप बंद कर देता हूँ यहाँ पर ये देखिए फ्लेम को मैंने बंद कर दिया चम्मच की मदद से एक दफा इसको हरा लेता हूँ इस तरह तो अब मैं डिश तैयार करता हूँ डिश तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिश मैंने तैयार कर लिया तो आज की जो हमारी रेसिपी थी मटन कोरमे की वो तैयार हो चुकी है तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक ज्यादा पहुंच सके तो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें अच्छे से कमेंट भी करें तो अब मुझे दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखना दुआओं में याद रखना मैं भी अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें अल्लाह ताला आपको दुनिया की खुशियाँ दे हंसते रहें मुस्कुराते रहें तो अल्लाह हाफिज़